गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास के विज्ञान विषय का सातवां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। सातवां पाठ आपका टॉपिक दे रखा है वो है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता इस पर आधारित फर्स्ट वीडियो के लिए जुड़े जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हो जीवों में विविधता से आपका क्या तात्पर्य है, जीवों से क्या तात्पर्य और विविधता से क्या तात्पर्य, पहले उसको डिस्कस करना अनिवार्य है। पहले आपको पूछा जा रहा है जीव, जीवों में विविधता, तो जीवों में विविधता सिंपल है, नॉर्मल शब्द है, आपको समझ देंगे। पहले आप ये बताओ जीवों से आप क्या समझते हैं। जीवों से हम ये बता सकते हैं सजीव और निर्जीव में क्या अंतर था, उसी के आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये जीव है और ये निर्जीव है। तो जिसमें जैविक क्रिया संपन्न होती है, सामान्य आप जानते हो सातवीं क्लास से पढ़ते आ रहे, तो वहाँ पे भी आपने देखा था सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। और वैसे मैंने पांचवा पाठ शुरू किया था तब भी आपको एक बार वापस मैटर को रिवाइज भी करवाया था। सजीव उन्हें कहते हैं जिसमें जैविक क्रिया संपन्न होती है, जैविक क्रिया जीवन यापन करने के लिए उपनाई जाने वाली क्रिया जिसमें श्वसन है, भोजन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण तंत्र है, कई प्रकार के कार्य उसमें क्या होते हैं संपन्न होते हैं, उसकी वजह से वो क्या करता है सजीव अपना जीवन यापन करता है। और उसमें से एक भी क्रिया मान लो बाधित हो जाए तो सजीव का जीना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अपन कह सकते हैं सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, इस चीज को हम जानते भी हैं। अब सजीवों में किस प्रकार से भिन्नता उत्पन्न होती है, भिन्नता को अपन क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में भिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। विविधता का आपको सामान्य अर्थ पूछे तो सामान्य अर्थ क्या बताओ कि भिन्नता। अब जीवों में विविधता, तो जीवों में जो भिन्नता उत्पन्न होती है उसको बोलेंगे जैव विविधता। अब जीवों में भिन्नता किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है, क्या क्या परिवेश, क्या क्या ऐसे अनुकूल परिस्थितियां या विकृत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से जीवों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट आपके सामने लिख रखा है, फर्स्ट सेंटेंस है कि विविधता से तात्पर्य क्या है, विविधता से क्या तात्पर्य। और इससे पहले आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जीव क्या होते हैं, सजीव क्या है, तो इसका आंसर आप खुद मेंशन करोगे। सजीव क्या होते हैं, वे जीव जिनमें जैविक क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। सजीव किसे कहते हैं, सजीव क्या है, तो आपके दिमाग बात रहे हैं सजीव एक प्रकार के जीव है जिनमें जैविक क्रिया संपन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं सजीव। और सजीव और भिन्नता वो हो जाएगी जैव विविधता। विविधता तात्पर्य क्या है, तो विविधता का सामान्य अर्थ होता है भिन्नता, सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा भिन्नता, दिमाग बात रहेगी। और सजीव आप क्या है, तो इसको आपको मैंने प्रश्न के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, इसको आप जानते भी हो और आप इसको मेंशन भी कर सकते हो। अब पढ़ते हैं जैव विविधता। जीवों में वातावरण, परिवेश, परिस्थितियां, अनुकूलता आदि की वजह से या आदि कारणों से जीवों में भिन्नता उत्पन्न होती है उसे जैव विविधता कहते हैं। क्या वातावरण कैसा है, परिवेश कैसा है, परिस्थितियां कैसी रही है, अनुकूलता कैसी है, उनकी वजह से जीवों में क्या होती है भिन्नता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, जीवों में भिन्नता उत्पन्न होती है उसे अपन क्या बोलते हैं जैव विविधता के नाम से जाना जाता है, दिमाग बात रहेगी। जैसे अपने क्लास के मान लो दो बच्चों को अपन कंपेरिजन करें, कोई भी मतलब आपने दो स्टूडेंट ले लिए और उनको देखोगे आकलन करोगे तो उन दोनों में भी क्या होता है अंतर होता है। दो आपके मतलब सगे भाई होते हुए भी, दो जुड़वा होते हुए भी, उनमें भी क्या देखने को मिलता है अंतर मिलता है। तो देखते हैं अपन किसी का रंग रूप आकार हाइट, तो कई प्रकार के उसमें देखते हैं, तो डार्क एंड लाइट क्या अंतर अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कई प्रकार की भिन्नता है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, सोनू और मोनू क्या अंतर है। तो दो लड़के मान लो आपने खड़े कर दिए और फिर आपने सामने के इन दोनों के सोनू और मोनू क्या अंतर है, तो आप देखोगे सर के इसका रंग तो क्या है काला रंग है, वो गोरे रंग का है, उसकी हाइट कितनी 4 फीट है, इसकी हाइट 2 फुट है। तो फिर अपन बहुत सारे से कंपेरिजन करके बता सकते हैं ना, तो आप जानते भी, तो उनमें वो अलग अलग कलर, अलग अलग ऊंचाई, अलग अलग वजन, अलग अलग उनकी आंखों की स्टाइल, अलग अलग प्रकार के बालों की स्टाइल, उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि मतलब इन दोनों में क्या अंतर, इस प्रकार
तरह से क्लेरिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों जुड़वा होते हुए भी इन दोनों में क्या है अंतर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए बना के भी आपको बता सकते हैं ना, मान लो रिप्रेजेंट में से पता जा रहा है कि इन दोनों को कंपेरिजन आपने किया तो एक की हाइट क्या थी आपके एकदम छोटा ठीक ना बाबू का, और एक क्या था बड़ा, तो क्या था इन दोनों में भी क्या देखने को मिलता है तो आप देखते हो एक तो क्या चंद और मनु के रूप में मान लो कंपेरिजन के रूप में आपने किया तो एक तो हाइट में बड़ा और एक हाइट में क्या छोटा वो ना, तो इसके आधार पे ऊंचाई के आधार पर रंग रूप भार आदि की कंपेरिजन करते हुए भी आप क्या बता सकते हैं कि इनमें क्या बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दो लड़कों में जैसे भिन्नता आपको देख सकते हैं तो उनमें भी भिन्नता कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। तो जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होने के कई प्रकार के फैक्टर दे रखे हैं, तो उसमें से मैंने मुख्य मुख्य तीन चार फैक्टर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या क्या हो सकता है, आवास और भोजन, जलवायु क्षेत्र और आनुवंशिक फैक्टर भी कई प्रकार से डायरेक्ट इंडायरेक्ट इफेक्टेड करते हैं। तो इनकी वजह से जीवों में क्या हो जाती है भिन्नता उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो वही भिन्नता की वजह से उनमें क्या देखने को मिलता है अंतर आ जाता है, जीवों में क्या जाता है अंतर आ जाता है और जीव क्या हो जाएंगे अलग क्वालिटी हो जाएंगे। जैसे आवास की बात करें, एक ही पिता की दो संतान उनको अलग अलग आवास में रखने पर भी उसमें क्या हो जाती है भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। एक को मान लो ग्रामीण क्षेत्र में रख रहे हो और एक को आप सिटी में रख रहे हो, और फिर बाद में 10 साल बाद में आप दोनों बच्चों को कंपेरिजन करोगे तो दोनों में बोलने का उठने बैठने का कई प्रकार का अंतर देखने को आपको मिलेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे आप आइडेंटिफाई करोगे ये दोनों क्या है अलग अलग टाइप के लगते हैं। और उन दोनों बच्चों में एक के होते हुए भी उनकी बुद्धि बोलने करने का पढ़ने सब प्रकार के तरीकों में क्या जाता है अंतर आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उनको अलग अलग परिवेश मिला है अलग आवास मिला है, एक को आपने ग्रामीण बेल्ट में बिलोंग करवाया और एक को कहाँ रखा आपने सिटी में, तो सिटी के अनुकूल वातावरण में रहते हुए सिटी के अनुसार वो हो जाता है और एक ग्रामीण परिवेश में रहता है वो ग्रामीण के अनुकूल हो जाता है। भोजन भी जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करने का एक फैक्टर हो जाता है। आपने मान लो किसी को पौष्टिक भोजन दे रहे हो तो वो हष्टपुष्ट होगा, और किसी को मान लो आप भोजन क्या सड़ा गला भोजन दे रहे हो और अच्छा भोजन नहीं दे रहे हो तो उनमें क्या जाएगी भिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। एक तो मतलब हाइट में बॉडी में एकदम क्या होता है फिटनेस होता है, और एक क्या हो जाएगी एक छोटा सा और गला सड़ा शरीर वाला व्यक्ति हो जाता है और उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, और एक का विकास विकसित हो जाता है। और फिर बाद में आपको कंपेरिजन करने के लिए कहें कि इन दोनों में क्या क्या भिन्नता उत्पन्न किस किस वजह से हुई, तो आप क्या कर देखोगे दोनों को रखा आपने एक ही स्थान पर परंतु आपने भोजन में अंतर कर लिया, तो एक को पौष्टिक भोजन दिया और दूसरे को पौष्टिक भोजन नहीं देने की वजह से उसका विकास क्या हो जाएगा रुक जाएगा, और इसी की वजह से उनमें क्या भिन्नता उत्पन्न हो सकती है होने की संभावना रहती है ना। दूसरा फैक्टर देख रहे हो जलवायु, क्या रहा है जलवायु, जलवायु भी विभिन्नता उत्पन्न करने में विशेष भूमिका निभाने का कार्य करता है। जैसे जलवायु किस प्रकार से भिन्नता उत्पन्न कर सकती है आप देखते हो, एक तो आपको शुष्क क्षेत्र में रखा जा रहा है रेगिस्तान, कहाँ पे रेगिस्तान में आप मान लो एक ही मान लो जैसे किसी भी पशु के दो बच्चों को आपने ले लिया, एक को तो रख रहे हो आप रेगिस्तान में और एक के रख रहे हो आप कहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ पे बर्फीले इलाके वहाँ पे, तो फिर बाद में उनमें दोनों में फिर कंपेरिजन करोगे कुछ समय के बाद में दोनों में आप कंपेरिजन करते हो तो उसमें भी क्या देखने को मिलता है आपको अंतर आ जाता है। ऐसा अंतर क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें किसका इफेक्ट हुआ है जलवायु का इफेक्ट, कि वहाँ का वातावरण मरुस्थलीय इलाका में जो रह रहा है उसको उसके अनुकूल परिवेश मिल रहा है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहने पीने उठने की कोई व्यवस्था नहीं, खाना पीना सब दूर की बात, वहाँ पे धूप भी धूप और उसके अनुकूल रहना बहुत परिस्थितियों का सामना करते हुए वहाँ पे जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे एक बसा रह रहा है, और दूसरे को डाल दिया आपने कहाँ पे बर्फीले इलाकों में तो वो उसके अनुकूल रह रहा है, तो बर्फ के अनुकूल वो अपना परिवेश करेगा तो वहाँ बर्फ अधिक होने के कारण वो सर्दी से बचाव करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा बाल बढ़ा देता है और उसके अनुकूल हो जाता है और वैसे खान पीन करना शुरू कर लेता है। तो आपने देखा होगा, तो दोनों को आपने फिर बाद में कंपेयर करते हो तो दोनों में क्या देखने को मिलेगा अंतर,
दोनों एक ही क्वालिटी के, एक ही जनरेशन के दो संतान होते हुए भी दोनों में जलवायु का इफेक्ट होने की वजह से भी उसमें क्या पड़ता है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और उसके कारण उनमें दोनों में क्या हो जाती है, विभिन्नता। एक में मान लो बाल वाल बढ़ जाते हैं और दूसरे स्थान पर जो मरुस्थल में रहने वाला उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। तो आपके जलवायु भी एक प्रकार की जीवों में विविधता उत्पन्न करने में विशेष भूमिका निभाने का कार्य करती है। तीसरा फैक्टर आपके सामने आ रहा है क्षेत्रफल। क्या रहे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित करता है। क्षेत्रफल या घनत्व अपन देखें तो दोनों फैक्टर के रूप में आप देखें तो उनकी वजह से भी आप देखोगे तो जीवों के विकास में विभिन्नता देखने को मिलती है। एक तो आप देखते हो जैसे आपने क्या ले रखे, दो शेर ले रखे, क्या ले रखे, दोनों शेरों को पकड़ रखा है और एक शेर के बच्चे को दबा डाल दे, एक शेर के बच्चे को डाल दे आप पिंजरे में, उस क्षेत्र में डाल दो जहां पे क्या चिड़ियाघर में डाल देते हो, कहां डाल देते हो चिड़ियाघर में। शेर का बच्चा है, किसी शेर का बच्चा है और एक को तो आपने डाल दिया चिड़ियाघर में और एक को आपने छोड़ दिया जंगल में, फिर दोनों को आप कंपेयर करते हो तो कुछ समय बाद में आप देखते हो दोनों के जो व्यवहार होते हैं उन दोनों में क्या है परिवर्तन, दोनों के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं बदल जाते हैं और बहुत सारा ऐसा स्वभाव भी क्या होता है परिवर्तन होता है। जो चिड़ियाघर में रहने वाला शेर होगा वो चूहे की तरह रहता है, सिर्फ बसारे को जो भोजन दिलाते हैं तो वो खाता है और सिर्फ बैठे बैठे ऐसे देखते रहता है और वो कुछ भी उसको पता ही नहीं किस प्रकार से शिकार करना क्या नहीं करना, वो सारी की एक्टिविटी को क्या होता है भूल जाता है और एक नॉर्मल एक पिल्ले की तरह वो उसमें पिंजरे में पड़ा रहता है। और एक आपने जंगल में शेर को छोड़ रखा है, वो जंगल का राजा होता है, किस प्रकार शिकार को पकड़ना क्या नहीं करना तो सारे कला जानता है, अपने अलग से प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। दोनों एक ही शेर के बच्चे होते हुए दोनों क्या अंतर, किसका इफेक्ट पड़ा है क्षेत्र का या क्षेत्र का, जिस क्षेत्र या जिस परिवेश में वो रहता है उसका भी उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से भी जीवन में क्या हो जाती है विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। जो फिर बाद में इससे होने वाली संतान होगी वो कुत्ते जैसे हो जाएगी एकदम नॉर्मल, जो कोई भी व्यक्ति भी जाकर उसको पकड़ लेगा तो भी वो कुछ भी नहीं करेगा, बिल्ली जैसा हो जाएगा। परंतु जंगल वाले शेर के बच्चों को आप पकड़ने की हिम्मत करोगे क्या, नॉट पॉसिबल। पास में जाने से पहले भी अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शेर को देखते कि शेर आ गया तो सांस पहले से क्या हो जाती भूल जाती, तो इतना अंतर क्यों, किसकी वजह से इनमें अंतर उत्पन्न हुआ कि परिवेश या क्षेत्रफल की वजह से जिस क्षेत्रफल में जिस बैंड में उनको रखा जा रहा है उसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव होता है और उनकी वजह से भी जीवों में क्या हो जाती है विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है और वो उसके अनुकूल हो जाते हैं और वो वैसा कार्य नहीं करते, तो ये क्षेत्रफल का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा अपन देखें संख्या, घनत्व के रूप में देखें तो घनत्व जहाँ पे जिसका बहुमत ज्यादा होगा उसके अनुकूल वो भी होता है। एक को बसर एक पिंजरे में अकेले को छोड़ रखा है और एक जंगल में घूम रहा हुआ बहुत सारा शेर बसर घूम रहा है तो उसकी वजह से उसका कॉम्बिनेंस अलग होता है और एक पिंजरे में बसर अलग से पकड़ रखा है उसका कॉम्बिनेंस अलग होता है। जैसे आप भी देखते हो एक बार आप घर पे शेर होते हो और जब अकेले को स्कूल में हाथ पकड़ के ला के बैठा रहते हैं तब एकदम सुख साफ, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें आपके परिवेश के अकॉर्डिंग आपने क्या किया परिवर्तन एकदम बदलाव आता है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जीव उत्पन्न होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं विविधता या भिन्नता। एक छोटा फैक्टर दे रखा है आनुवंशिक कारक भी डायरेक्ट डायरेक्ट जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। ये क्या होते हैं आनुवंशिक कारक, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आनुवंशिक फैक्टर क्या होते हैं, वो जीवों में किस प्रकार से भिन्नता उत्पन्न करते हैं तो वो देखते हैं। एक ही संतान के मतलब आप दो अलग अलग प्रकार के जीनों पर इफेक्ट स्ट्रक्चर को अपन अध्ययन करते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है और जीनों की मतलब क्रम संज होने से या गुणसूत्रों में परिवर्तन होने की वजह से भी जीवों में हजारों प्रकार के फैक्टर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो आपने वैसे आपके सामने दृश्य में आप पढ़ोगे तो आपने देखने को मिलेगा भी आनुवंशिक फैक्टर किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहले आप उसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, फिर मैं मैटर को रब कर रहा हूँ, हो गया होगा। देखिए आनुवंशिक फैक्टर किस प्रकार से जीवों में विविधता उत्पन्न कर सकते हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए अपन बात करते हैं मनुष्य की, किसमें मनुष्य की,
अब जैसे आप जानते हो मानव में कुल गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की बात करें तो कितने होते हैं 46, कितने होते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कितनी दो कैटेगरी, एक तो होते हैं कितने 44 गुणसूत्र अलग होते हैं और दो गुणसूत्र भी अलग होते हैं, अर्थात अपन इसकी बोले भाई जोड़ी गुणसूत्र अलग और एक जोड़ी गुणसूत्र अलग, जोड़ी गुणसूत्र जो ये गुणसूत्र होते हैं वो काइट लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, किसको काइट लक्षण, जबकि ये गुणसूत्र होते हैं एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो किसको प्रदर्शित करेंगे लैंगिक लक्षणों को। या लैंगिक गुणसूत्र ये होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र और वो होते हैं लैंगिक गुणसूत्र। इसके अंतर्गत आते हैं एक्स व वाई, क्या आते हैं एक्स और वाई कमांड होते हैं, जबकि इसमें अलग अलग पार्टिसिपेंट के काम में आते हैं। जब मतलब समानस गुणसूत्र मेल और फीमेल में क्या होते हैं कॉमन होते हैं, मेल और फीमेल में क्या होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं, मतलब नर और मादा में सभी में क्या होते हैं कॉमन गुणसूत्र होते हैं, परंतु इन दोनों की वजह से उनमें क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के भिन्नता उत्पन्न करने की संभावना भी रहती है। आप देखते हैं एग्जाम्पल के बेस पे देखा जाए तो एक्स वाई और एक्स एक्स ये क्या है मादा और ये है नर। अब गुणसूत्र इफेक्टिव होने की वजह से भी कई प्रकार की भिन्नता आपको देखने को मिलती है। मान लीजिए जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिल जाते हैं तब उस कंडीशन में आपके क्या होगा लड़की होने की संभावना रहती है, या एक्स वाई ये दो पॉसिबिलिटी बनती है गुणसूत्र एक्सचेंज होने की वजह से, मतलब दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। परंतु ये तो मैंने मान लिया कि या तो लड़का हो गया लड़की, अब तीसरी भिन्नता क्या उत्पन्न हो सकती है। अब मान लो गुणसूत्र का इस प्रकार से एक्सचेंज नहीं हो गए क्या हो जाता है एक्स 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 और एक एक्स और हो जाता है, तब उसमें क्या हो जाएगी विकृति उत्पन्न हो जाती है और मनुष्य इन दो कैटेगरी को छोड़ के तीसरी कैटेगरी क्या हो जाती है जनरेट हो जाता है और उसमें कई प्रकार के फैक्टर लागू हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है एक्स अकेले रहता है, कभी कभार एक्स बाय बाय डबल हो जाते हैं, कभी एक्स वाई हो जाता है एक्स एक्स वाई, कभी वाई वाई मान लो जनरेट हो जाते हैं तीनों वाई वाई मिल जाते हैं, तब भी कई प्रकार के गुणसूत्रों की वजह से भी कई प्रकार से मनुष्य में विकृति उत्पन्न होती है और जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं कई प्रकार रोगग्रस्त व्यक्ति होने की संभावना रहती है और उन लैंगिक इफेक्ट की वजह से भी मनुष्य में कई प्रकार की भिन्नता उत्पन्न होती है। ऐसे ऐसे मनुष्य की बात की वैसे ही वैसे आप देखते हो जीवों में भी कई प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में कई प्रकार के आप कहते हैं सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं किंजर किंदर किंदर होते हैं ना जो हिजड़े बोलते हैं अपने सामान्य भाषा में, उभय लैंगिक जीव जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के लैंगिक गुणधर्म प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, दोनों प्रकार के दोनों लिंग होते हैं वो पूर्ण रूप से अपरिपक्व होते हैं, दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार से लैंगिक गुणसूत्रों में आप बात करें तो उनमें किसी भी प्रकार के विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करने कोई गुण ऐसा नहीं करेक्ट होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होने की कई प्रकार की संभावना रहती है, उनकी वजह से जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो अपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, अब अपन देखते हैं
विभिन्नता की बात होगी। अब अपन को पढ़ना है जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, तो किस किस आधार पे उनको बांटा होगा, क्या रहेगा, जीवों को वर्गीकरण करने का क्या तरीका है। तो पहला अपन देखेंगे समानता के आधार पे, फिर बाद में आवास के आधार पर, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। समानता क्या होती है, यहाँ पे जो लक्षण कॉमन मिलते हैं, देखिए इस मैटर को मैं रब कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए एक मनुष्य पर मैंने अप्लाई करके आपको समझाया कि जीवों में किस प्रकार से अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न हो सकती है, उसको मैंने डिस्कस किया था। अब अपन देखते हैं जीवों में समानता क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर कर रखा है, अलग अलग जीवों में विभिन्नता होने की वजह से उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले समानता क्या होती है उसको अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए बेसिकली समानता का सामान्य अर्थ है कि जो समान गुणधर्म सभी जीवों में उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं, समानता। समानता के आधार पर जैसे आवास के आधार पर समानता, जैसे मरुस्थलीय सारे मरुस्थलीय, भोजन के आधार पर सारे मांसाहारी जो मांस खाने वाले सारे मांसाहारी, उनको मांस के आधार पर समानता के आधार पर उनको अलग कैटेगरी में डाल रखा है। भाषा के आधार पर गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, मारवाड़ी, ये सासार भाषा के आधार पर डाल रखे समानता की, ये सासार गुजराती है तो गुजराती में क्या समानता होगी, तो भाषा के आधार पर उनको समानता की अलग कैटेगरी में डाल रखा है। तो अपन देखते हैं परिवेश, लिंग, वर्ग, कुल, वंश, फैमिली, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर उनको जीवों में समानता के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में अपन बांटते हैं और उनको अध्ययन अपन करेंगे। तो अपन देखेंगे लिंग के आधार पर कैसे, जैसे पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, ये अलग अलग पूरी पूरी क्या हो जाए कैटेगरी, चाहे आप किसी भी परिवेश के कहीं से भी क्यों नहीं आए, लड़का है तो पूरे पूरे को एक ही वर्ग में रखेंगे, ये लड़का है तो इस समानता के आधार पर लड़कों में क्या समानता होती है उनके आधार पर उनको अलग वर्ग में रख देते हैं। तो ये कई प्रकार की कैटेगरी अपन डिस्कस करेंगे। जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, क्यों किया जाता है, जीवों को किस किस आधार पर वर्गीकरण कर रखा है, तो उनको अपन विस्तार पूर्वक से डिस्कस अपन अगले वीडियो टॉपिक में अपन करेंगे, वीडियो नंबर 2 में। तो उसमें आप देखोगे किस प्रकार से क्या जीवों में वर्गीकरण किया, किसने सर्वप्रथम किया, क्या आधार रहा, तो उसको अपन स्टडी करेंगे। तो यदि अभी तक आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि नए अपलोड होने वाले वीडियो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट मिलते रहेंगे। अभी तक आपके ऑफलाइन क्लासों का कोई निश्चित टाइम नहीं है, इतने आप ऑनलाइन क्लासों को प्रेफर करें, जितने ऑनलाइन आपके वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको आप व्यवस्थित रूप से पढ़ते रहें, ताकि आपका समय पर सिलेबस कंप्लीट हो सके। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।